पांच राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने को है। सभी स्थानीय राजनेता अपने अपने तरीके से जनता को आकर्षित करने में लगे हैं। चुनावी माहौल की तहकीकात के लिए सक्षम न्यूज इंडिया पहुंचा हरिद्वार और चर्चा की स्थानीय वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी अनिल वशिष्ठ से। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता और आप देखें हमारी खास पेशकश चुनावी एक्सप्रेस यात्रा। हम इस समय हरिद्वार में हैं। लोकल बॉडी का चुनाव यहाँ पे सरगर्मियों पे है, चुनाव की चर्चा हर तरफ चल रही है और हम इस समय वार्ड नंबर 5 में हैं और आज हमारे साथ भाजपा के एक बागी नेता कर ले। पिछले 15 सालों से ये भाजपा के साथ अपनी कर्मठता के साथ जुड़े हुए थे, इस समय निर्दलीय के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सर चुनाव सरगर्मियों पे हैं, क्या उम्मीदें लग रही हैं? विभिन्न पार्टियों के बीच एक निर्दलीय को कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ती है? मुझे लगता है श्रीमान जी को मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था। लगभग 20 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, लेकिन ठीक है, अचानक यह है बाहर से किसी निर्दलीय प्रत्याशी को 2 वर्ष तो मैंने भारतीय सदस्यता ली है, उसको भाजपा ने चुन लिया, ठीक है, मेरी सेवा को कोई बड़ी इच्छा नजर नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि जो काम मैंने जनता के बीच रहकर किए उन कामों के बल पर मैं शायद निर्दलीय रूप में भी स्थापित हो सकता हूँ। केंद्र में सरकार है भाजपा, प्रदेश में सरकार है भाजपा, विभिन्न योजनाओं को लेकर के बात की जाए। आप हरिद्वार में हम बैठे हुए हैं इस समय, किन उम्मीदों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? जब जनता के बीच जा रहे होंगे तो जनता से क्या कह रहे हो कि आप मुझे क्यों दे रहे हो, मतलब आपको जनता क्यों बना? कारण है क्षेत्र में जो भी लोग पानी की समस्या है, हमारा क्षेत्र पर्वतीय है, उससे जुड़ा हुआ है, लगातार वहाँ पानी की कमी है। अब जब आप वार्डों का निरीक्षण करेंगे तो आपको जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। जो बड़े बड़े वायदे उन्होंने करने लगा, उन्होंने एक आरोप लगाया निर्दलीय क्या कर सकता है, 3 वर्ष तक बीजेपी वाले निर्दलीय कहाँ थे? बीजेपी के सामने लोग थे, वोट को सहमति दे दी, बोर्ड ने उनको क्षेत्र के लिए खुद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपये उनको क्षेत्र के लिए दिए गए, ये इतना दिया गया, कहाँ लगा के लगाया? 4 साल तक आप कह रहे हैं हमने इतने करोड़ रुपया ले लिया, योजनाएं लगा दी, सब कुछ लगा दिया, 4 साल तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं होती और लास्ट के 1 साल में आप योजनाएं पूरी कर दें। क्षेत्र की जनता अपने आप जवाब देगी इस चीज़ में। पानी की समस्या जो कि तो है, वहाँ गड्ढा जगह जगह खुदे पड़े हैं, सड़कें 3-3 बार उखाड़ के बनानी पड़ रही है, ठेकेदार 3-3 बार आके उसी सड़क को दोबारा बना रहा है, सारी चीजें उथल पुथल पड़ी है, जनता त्राही मांग कर रही है। अब की बार जब चुनाव का रिजल्ट आएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा वो 5 मुद्दे हमें बिहार के, इन 5 मुद्दों पे जनता वो 5 कौन से मुद्दे, क्योंकि आप भी जब चुनाव में जा रहे हैं आपने परेशानियां गिनवा दी, उन परेशानियों को निराकरण के लिए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने आपको निराकरण के लिए बता दिया। जाहिर सी बात है कि जब हम बोर्ड में सम्मिलित हूँ, यदि मैं विजय होता हूँ तो मैं जोर शोर से जितना भी अपनी बात को बोर्ड के पीछे रखूंगा, उनके निराकरण के लिए जो मुझसे संभव प्रयास करूँगा। आपने पानी की समस्या गिनाई, आपने सड़कों की समस्या गिनाई, अतिक्रमण को लोग लेकर के रोष जाया था यहाँ पे, बहुत ज्यादा रोष है और आप देख सकते हैं स्थानीय जो इसके पहले थे कहाँ विफल हो गए वो अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण अभी जो आया है वो मेन रोड पे, अतिक्रमण जो उन्होंने कहा है कि वो दिवाली के बाद ऐसी कॉलोनियों में भी जाएंगे, उससे क्षेत्र के अंदर एक भय व्याप्त होगा। हाईकोर्ट का मामला है, उसमें कोई अपने स्तर पर कोई नेता नहीं ले सकता, आगे खड़ा नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकते। हाईकोर्ट का मामला है, चाहिए सभी को करना चाहिए, लेकिन जिनका रोजगार जिनके मछलियों को या किसी तरीके से मछली को यहाँ पर उनके लिए कोई निराकरण का उपाय होगा? जी बिल्कुल, उनको कहीं पर स्थापित किया जाए। जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल नगर निगम के द्वारा कई योजना ऐसी पड़ी जो
निगम के कई लोगों ने हथियार कब्जा है, क्या उन जगह पर उन लोगों को स्थापित नहीं किया जा सकता? मैं तो यही कहूँगा और मेरा प्रयास भी रहेगा कि ऐसी जगहों पर उनको स्थापित किया जाए, कम से कम उनका रोजगार चले। वो रोजगार से जिस तरह से निवृत्त कर दिए गए हैं, उनका रोजगार चलने से कम उन्हें लाभ तो, उनका परिवार का भरण पोषण तो हो सकेगा। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। भाजपा में इन्होंने कई सालों तक काम किया, लेकिन भाजपा ने एक तरीके से इनको टिकट नहीं दिया, तो इस समय वो निर्दलीय के तौर पर जनता के बीच में इन्होंने हमसे बात की। चुनावी एक्सप्रेस जारी है और आप देखते रहे सक्षम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।